आज फिरोजाबाद खाद्य विभाग की टीम ने थाना दक्षिण क्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड पर छापेमारी अभियान चलाया। बूरा, बतासा और चीनी से बने खिलौनों को बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर जांच के लिए सैंपल लिए। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने बताया, दीपावली के मौके पर बतासे और चीनी के खिलौनों की अधिक डिमांड रहती है, जिनको चमकदार बनाने को लेकर नुकसानदेह केमिकल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए लोगों को केमिकल युक्त खाद्य संग्रही से बचाया जा सके, इस उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन की कार्रवाई से मिलावट खोड़ों में हड़कंप मच गया। दीपावली पर्व पर फिरोजाबाद में चीनी के बने हुए खिलौने और बतासों की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। तो आज फिरोजाबाद में ये मुन्नालाल जी की 50 साल पुरानी दुकान है, चीनी, बूरा, बतासा, चीनी खिलौने बनाने की। तो यहाँ मैंने देखा, यहाँ के इनके मिस्त्री से बात की तो पता चला कि बूरा को चमक चमकीला बनाने के लिए और वाइटनेस लाने के लिए एक केमिकल डाला जा रहा है। यहाँ पर बूरा चीनी का नमूना लिया है, उस केमिकल का भी नमूना लिया है। ये जाँच का विषय है कि वो एडिबल है कि नहीं, अलाउड है कि नहीं, वो जाँच के बाद पता चलेगा। और इस तरह से आज अभियान का 6वां दिन है। 6 दिन में मैंने लगभग 27 प्रतिष्ठानों को निरीक्षण किया है। 27 में 34 नमूने लिए हैं, उसको सीजर किया है और ये कार्रवाई निरंतर जारी है ताकि दीपावली के पर्व पर आम जनमानस को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिल सकें और मिलावटखोरों में भय व्याप्त रहे कार्रवाई। ये मेरा प्रयास है।